आज जनसंख्या दिवस है और देश की जो जनसंख्या की स्थिति है वो बहुत ही विस्फोटक है। हम बहुत जल्द पूरे संसार में नंबर एक होने वाले हैं। बहुत सी चीज़ों में नंबर एक होना अच्छा रहता है, लेकिन जो जनसंख्या के नंबर एक होने की बात है उसमें बहुत ही समस्याएं हमारे देश में आ रही हैं। जनसंख्या को अगर सही प्रकार से नियंत्रित नहीं किया गया तो ये बहुत ही खतरनाक रूप ले लेगी और यह स्थिति देश में, आज देश के युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, बहुत सी समस्याएं जो आ रही हैं वो देश की विस्फोटक जनसंख्या के कारण से आ रही हैं। इसमें दो तीन बातें जो मेन हैं कि अभी भी एक 1993 से एक विधेयक पास है। हम ये जो आज बात कर रहे हैं वो जनसंख्या नीति बनाने की बात कर रहे हैं। भारत में जनसंख्या नीति 2002 से बनी हुई है। जनसंख्या नीति बनने में भी 1947 के आज़ादी के बाद 2000 में भारत की जनसंख्या नीति बनी और दिल्ली की जनसंख्या नीति अभी तक नहीं बनी है। दिल्ली में एक जनसंख्या कानून बना हुआ है, जनसंख्या आयुक्त आयोग बना हुआ है, उसकी 2005 से लेकर 2012 तक सिर्फ 3 बैठकें उसकी हुई थी। ये सारी जानकारी मेरे पास रिकॉर्ड में उपलब्ध है। हम आज मांग ये कर रहे हैं कि जनसंख्या नीति बनाई जाए। जनसंख्या नीति ऐसी जनसंख्या नीति हो जिससे देश का विकास हो और जो जनसंख्या आज उपलब्ध है उनके हाथ को रोज़गार मिले। अगर हाथों को रोज़गार दिया गया तो वो विकास में काम करती है, अगर रोज़गार नहीं दिया गया तो वो विनाश में काम करती है। आज देश के आधे से अधिक जिलों में बहुत से जो वाद, उग्रवाद और अनेकवाद बढ़ रहे हैं, वो बहुत से बेरोजगारी का भी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं लगभग 1990 के आसपास से काम कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत सी जगह जनसंख्या नीति बनी हुई है। एक मेरे पास जवाब है मध्य प्रदेश के उपायुक्त का, शायद 2004 का वो जवाब है। मध्य प्रदेश में ऐसा नियम बना हुआ है कि 2 बच्चों से अधिक, मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, अगर अधिकारियों के 2 बच्चों से अधिक बच्चे होंगे तो उनको नौकरी से निकाला जा सकता है, नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता। ये तथ्य मेरे पास हैं। उसके अलावा एक संविधान विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन है 1992 में पेश किया गया था, ये था संविधान 79वां संविधान विधेयक 1992, 22 दिसंबर 1992 में पुनः स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह विधेयक राज्यसभा में लंबित है। ये जो है लोकसभा राज्यसभा के लिए था कि लोकसभा और राज्यसभा में जो चुनाव होते हैं सांसदों के, राजनीतिक व्यक्तियों के, वो 2 बच्चे से अधिक होंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन ये विधेयक अभी भी 1992 से आज तक विचाराधीन है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे संविधान जो संशोधन हैं वो भी विचाराधीन रहते हैं। दिल्ली की जो मैं बात करूं, दिल्ली में जनसंख्या जो आयुक्त बना हुआ है उसकी 2012 तक 3 बैठकें हुई हैं, 5 से लेके 12 तक, तो ये और उसके बाद कितनी हुई हैं इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। मैंने 2 महीने पहले दिल्ली सरकार में एक आवेदन किया कि दिल्ली की जनसंख्या नीति क्या है, तो उन्होंने वो भारत सरकार को भेज दिया। फिर मैंने दोबारा से अपील किया कि दिल्ली की जो जनसंख्या आयुक्त बना हुआ है उसने क्या कार्रवाई की, क्या उस पर लागू है, तो वो अपील भी उन्होंने भारत सरकार में भेज दी। और 15 से अधिक राज्यों में 2010 से लेके और 15 के बीच मैंने 3 आवेदन किए हर एक राज्य में। दुर्भाग्य की बात ये है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जो मेन राज्य हैं, इन्होंने जनसंख्या नीति और जनगणना नीति में अंतर ही नहीं मालूम है। मैं जनसंख्या नीति के बारे में पूछ रहा हूँ कि आपकी जनसंख्या नीति क्या है, वो जनगणना नीति की जानकारी दे रहे हैं। फिर मैंने दोबारा पूछा कि जनसंख्या नीति की जानकारी चाहिए, जनगणना की नीति नहीं। उन्होंने फिर दोबारा से जनसंख्या, जनगणना की नीति की, मतलब जिस राज्य में जनसंख्या नीति और जनगणना नीति के बारे में भी नहीं मालूम, अंतर भी नहीं मालूम, वो जनसंख्या नीति क्या लागू करेंगे। तो आज पूरे देश में जनसंख्या समाधान के इसमें जो ये एक संस्था है पूरे देश में प्रयास कर रही है, हम भी इनके सहयोग में हैं और मैं ये चाहता हूँ अधिक से अधिक संख्या इसमें इनके सहयोग में आए। और ये कोई भी काम एक साथ मिलके हो सकता है, मैं अलग करूँ, दूसरा व्यक्ति अलग करे तो संभव नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि देश में एक जनसंख्या नीति बने, वो देश के नागरिकों के ऊपर लागू हो, राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर लागू हो, अधिकारियों के ऊपर लागू हो और उसके तहत जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। देखिए यही दुर्भाग्य है कि हम यहाँ और हमारा ज्ञापन अभी 12:30 बजे लिया गया है और 1 घंटे से अधिक तो हम कार्यालय के आगे खड़े रहे। यहाँ पे उपायुक्त था नहीं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, सूचना पट पे लिखा हुआ है 11 बजे से 1 बजे तक आप अधिकारियों से, 10 बजे से लिखा है शायद, 10 से आप मिल सकते हैं,
लेकिन हमें एक घंटा इंतजार करवाया गया, उसके बाद भी बहुत ही मिन्नतें करने के बाद, निवेदन करने के बाद, जो अतिरिक्त जिलाधीश हैं यहाँ पर, उन्होंने चार व्यक्तियों को बुलाया और फोटो तक खिंचवाने के लिए तैयार नहीं था। हम ज्ञापन देते हैं, आज से पहले मैं 200 ज्ञापन दे चुका हूँ। जब भी कोई ज्ञापन दिया जाता है, सब व्यक्तियों में आके अधिकारी ज्ञापन लेता है, पब्लिक के सामने ज्ञापन लेता है, लेकिन इन अधिकारियों को शर्म आती है। ये अधिकारी बाहर पब्लिक में आके बात करना नहीं चाहते, पब्लिक में आके इनकी हिम्मत नहीं है। तो ये ऐसे अधिकारी जो नियुक्त है ना, इनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इतनी बड़ी समस्या के समाधान के लिए हम आए और वहाँ पर आने के बाद पब्लिक में आने की इनकी हिम्मत नहीं है या आना नहीं चाहते, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। आपके अलावा कुछ और भी बच्चे या कुछ लोग वेट कर रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने जिला अतिरिक्त जिला अधिकारी हैं, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है उनका, लेकिन लेखराज, उनको हमने दिया। और भी यहाँ पे करीबन 15-20 बच्चे जो अपाहिज बच्चे हैं वो भी हमारे आने से पहले यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई है। और जो जिला अधिकारी हैं वो यहाँ पे हैं नहीं, वो कह रहे हैं कि बवाना में गए हुए हैं। अभी वो एक गाड़ी आई है, शायद उसमें वो आए होंगे 12:30 बजे। तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है। आप सूचना पट लगा रहे हैं, इतने बजे से मिल सकते हैं, मौके पे अधिकारी नहीं होते। आपने तो पहले से टाइम लिया हुआ था? नहीं, हमने यहाँ पे सूचना दिया हुआ था, हमने सूचना दिया हुआ था कि हम ज्ञापन देंगे, टाइम नहीं लिया था। लेकिन हमारा टू चाइल्ड पॉलिसी की तरफ से जनसंख्या समाधान के लिए हम इन्हें ज्ञापन सौंपने यहाँ पर आए थे। 10 बजे का हमारा समय था, हम लोग यहाँ पे 10 बजे पहुँच गए थे, परंतु इन्होंने कोई हमें रिस्पॉन्स दिया नहीं और ना ही यहाँ मिले। DM साहब तो यहाँ थे ही नहीं जो कि अभी आए हैं, और जो मिले वो भी इतनी मिन्नत करने के बाद किसी और से मिले गए, उन्होंने भी सब चीज़ें करने से मना कर दिया। अगर यही सब ऐसे करेंगे तो इस समाधान को लेकर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो क्या कानून होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर? इसके लिए सबसे सब कानून बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी भी ये मांग है, 2 बच्चे सबसे अच्छे। अगर इसके अलावा और बच्चे किए जाते हैं तो उसकी सारी सुविधाएं रोक दी जाएं और उसे वोट देने का अधिकार भी रोक दिया जाए। ये जो ज्ञापन आपने यहाँ दिया है, क्या दिल्ली की अलग अलग आगे आज ही के दिन ये यहाँ के 10 जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है? और जनसंख्या समाधान टू चाइल्ड पॉलिसी, हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहे हैं। लगभग पिछले 5 साल से हमने जंतर मंतर पर और पूरे देश में प्रचार प्रसार किया है और अनशन भी किए हैं, और उसका परिणाम स्वरूप आज 125 सांसद ने लिखित रूप में हमें समर्थन दिया हुआ है। 125 सांसद के लिखित समर्थन के बावजूद हम राष्ट्रपति जी को अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमें उम्मीद है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून 2 बच्चों का समान रूप से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर देश हित में, देश के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर हर समस्या की जड़ के अंदर कहीं ना कहीं बढ़ती हुई आबादी है, और बढ़ती हुई आबादी के कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट और पीने के पानी की कमी होती जा रही है, और आने वाले 20 वर्षों के बाद हो सकता है पानी के ऊपर गृह युद्ध भी हो सकता है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज पूरे देश के अंदर 710 जिलों में एक समय पर हमने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। उसी क्रम में आज अलीपुर में हम ज्ञापन सौंपने आए थे। सुबह 10 बजे हम सब लोग यहाँ पर आ गए थे और 1 महीना पहले हमने इनसे परमिशन ली हुई थी, लेकिन यहाँ पर DM साहब मौजूद नहीं थे और एडिशनल DM जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया जैसे कि वो हमारे अधिकारी ना हो करके हम उनके